I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? नया वीडियो में सबका स्वागत है यार। आज का पहला गेम और हम लोग साथ शुरू किए, और हम लोग के साथ आया है साथी वाला एक दोस्त, और हम लोग उतरने वाले थे पोचिंग की और सबको चैलेंज किया यार, जो मारेगा महाकाल को उसको देंगे रॉयल पास। और उतना सारे स्क्वाड तो हम लोग के साथ उतरा नहीं, और हम लोग के साथ एक ही स्क्वाड आया था जो रैंक पुशिंग स्क्वाड था यार। बहुत बहुत दिक्कत होने वाला है लोगों को ढूंढ के मारने में। देखिए मजा लीजिए, कब वो लोग मिलता है देखिए। चलिए देखते हैं आगे, हम लोग पूरा हर जगह ढूंढे वो लोग को। अब पता ही पोचिंग में आजकल लूट मिलता तो बिल्कुल नहीं है, लूट बहुत बहुत ही कम हो गया पहले से। 8-10 घर मैंने ढूंढा और सिर्फ मुझे नहीं, मेरा स्कॉट किसी को भी गन नहीं मिला, सब पिस्तौल और शॉटगन से घूम रहे थे। और थोड़ा सा इसको वीडियो वगैरह मैंने स्केप भी कर दिया क्योंकि गन वगैरह नहीं मिला था, फाइट नहीं था। लेकिन पोचिंग में भी टेंस गेम, एक ऐसा सिचुएशन आया था जहाँ बहुत टेंस था, आपको फाइनली पता चलेगा। एट लास्ट फाइनली मुझे एक बॉट मिला जो मुझे लूट के हिसाब से बहुत ज़रूरी था। उसको मारने के बाद उसका लूट थोड़ा ले लेते हैं और आगे चलते हैं जहाँ दोस्त लोग को पता चला है कि स्क्वाड असल में है कहाँ। मैं वो लोग से बहुत दूर था, कम से कम 300 से 400 मीटर दूर लोग के पास ही जा रहा था मैं, क्योंकि हम लोग लूट के चक्कर में सब अलग अलग हो गए थे, क्योंकि लूट मिलना पोचिंग में आजकल बहुत मुश्किल है। जैसे मैं जा रहा था राइट में, मुझे लेफ्ट में सॉरी फुटस्टेप मिला, मैं सोचा शायद बंदा होगा, लेकिन देखा तो फाइनली ये भी बॉट था। और आपको दोस्त का वॉइस भी आ रहा होगा, ये भी बॉट था बोल के। उसके बाद जब इसको मैं लूटा हुआ, इसको ये बॉट के पास लूट तो बहुत बहुत ही मस्त था, स्कोप वर्क गोली सब मिल गया मुझे, जो परफेक्ट फाइट के लिए मैं अब रेडी था। उसके बाद फाइनली जो स्क्वाड हम लोग के साथ उतरा था उसका लोकेशन हम लोग को रिवील्ड हो गया, और चलते हैं इन लोग को मारने। मेरे दोस्त लोग लेफ्ट से फ्लैंक कर रहा था और मैं राइट से गया था, लेकिन ये जगह में है तो पता था, लेकिन कौन सा बिल्डिंग में ये पता नहीं, क्योंकि पोचिंग में ये ज़रूर पता होना चाहिए कि असल में ये लोग एग्जैक्ट होता कहाँ है। अगर आप अंदर धुंदर जाओगे मतलब पोचिंग में आपका लग जाएगा येल, इसलिए जब भी आप पोचिंग में हो पूरा आपको पता होना चाहिए कि आपका एनिमी असल में कौन सा घर में है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज रहता है इधर। उसके बाद मुझे फाइनली पता चला कि दो एनिमी मेरे लेफ्ट वाले घर में है, इसलिए मैंने प्रेफर किया ये घर में घर कर अंदर जाने के लिए। उसके बाद मैं चढ़ता हूँ ऊपर, और मेरे साथ ही ऑपोजिट में भी एनिमी ऊपर जा रहा है, आपको दिखा होगा। उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ पता करने के लिए असल में है क्या। मुझे थोड़ा सा हिंट तो दिखता है वो अंदर आते हुए। मैं अपना दोस्त को भी बताता हूँ दोस्तों को कि असल में एनिमी इधर है। उसके बाद एनिमी जब भी अंदर थोड़ा सा आता है मैं फ्री फायर का यूज़ करता हूँ, देखिए उसको बोलता है फ्री फायर। अगर मैं थोड़ा लेट करता शायद वो मुझे नॉक कर देता। नॉक करते ही मैं सोच रहा था वो घर में रश करने के लिए, लेकिन देखा कि दो बंदा उस तरफ है और मेरे दोस्त को नॉक कर चुका था जो हाईस्ट आर्की का था महाकाल। उधर मैं प्री फायर दिया, अपना दोस्त लोग को बोला अब जाके दोनों उधर देखो, मैं ये घर में देखता हूँ, क्योंकि इधर रिवाइव हो चुका था। अब देखिए इधर क्या टेंस होने वाला है, दो बंदा अकेला,
हुआ क्या मुझे इतना पता नहीं यार, लेकिन जिंगल इतना काम आता है मत पूछो। आपने देखा होगा मैंने इधर इतना जिंगल किया क्योंकि वो लोग मुझे बिल्कुल डैमेज दे नहीं पाया। उसके बाद हम लोग पोचिंग की पूरा कब्जा कर चुके थे, यहाँ कोई एनिमी नहीं था। अब उसके ऊपर इधर बैठना भी फालतू था क्योंकि लूट हम लोग का पूरा हो चुका था। तो हम लोग एट लास्ट इधर से निकलने का फैसला करते हैं क्योंकि बंदा 30 ही बाकी था और किल मेरे पास नहीं था। दो बॉट के साथ सिर्फ 4 किल, कम से कम 10-12 किल तो बनता यार एक गेम में। और आप भी क्योंकि हम लोग रैंक पुश तो कर रहे हैं, रैंक पुश करके मिलने वाला भी कुछ नहीं है। जितना हो सके किल निकालने का ट्राई कीजिए, इससे गेम भी डेवलप होगा। और टेंस मोमेंट में कैसे आपको हैंडल करना है इसे पता चलेगा। अगर आप एक जगह में कैंप करते रहोगे वेस्ट ऑफ टाइम। उसके बाद हम लोग फाइनली, हम लोग को पता चलता है कि एक स्कॉट इधर है और हम लोग अपना गाड़ी रोक देते हैं। दो बंदा जाता है, तीन बंदा जाता है राइट से और मैं निकलता हूँ लेफ्ट से, क्योंकि प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे दिख भी जाता है, एक फायर देता हूँ, देखिए परफेक्ट हेडशॉट और ये नॉक हो जाता है। अब मुझे पता था जब तक मैं हील कर लूँगा तब तक वो रिवाइव हो जाएगा, इसलिए उसको नॉक करना बहुत ज़रूरी था। इसलिए मैं अपना दोस्तों को होल्ड करने बोलता हूँ और मैं फेंकता हूँ ग्रेनेड, परफेक्ट MGA ग्रेनेड नॉक। अब यही राइट टाइम था, दोस्तों को कॉल करता हूँ और मैं भी फ्लैंक कर देता हूँ और एक बंदा पहले नॉक था, दूसरा को भी लेता हूँ, ये स्कॉट भी परफेक्ट वाइप। अब इधर का स्कॉट ख़त्म। अब हम लोग को चाहिए था फिर से किल क्योंकि अब 19 बंदा था, 19 में 4 हम लोग, सॉरी 3 हम लोग, 16 बंदा ही बाकी था भाई, तो और सबको किल का ज़रूरत था। महाकाल तो हम लोग निकलते हैं इधर से जोन के अंदर। तो हम लोग को पता नहीं था कि अगर असल में एनिमी है कहाँ, इसलिए हम लोग बहुत सारी जगह ढूंढे। वो थोड़ा 2-3 वीडियो में स्केप भी कर दिया है क्योंकि हम लोग को एनिमी मिल नहीं रहा था। फाइनली हम लोग को ड्रॉप दिखा, लेकिन डायरेक्ट ड्रॉप में जाना इतना सेफ नहीं था क्योंकि हम लोग को बग्गी आते हुए दिखा। इसलिए पहले बग्गी वालों को पेलते हैं फिर देखेंगे ड्रॉप के ड्रॉप को। और जबकि मेरा हेल्थ बहुत डाउन था, अपना टीममेट को थोड़ा होल्ड करो। एक बंदा लेफ्ट से फ्लैंक किया और दो राइट, स्क्वाड भी ख़त्म। उसके बाद ड्रॉप्स ड्रॉप थोड़ा लूट लेते हैं, खासे उतना अच्छा से मिलता नहीं ड्रॉप में, कुछ नहीं था। अब इधर तो एनिमी नहीं था और इधर रहने का यूज भी कुछ नहीं है और जोन भी छोटा हो रहा था। बंदा टोटल 17 था, चाहिए था हम लोग को किल क्योंकि यहाँ किल नहीं मिला। दोस्त लोग ने किल निकाल लिया क्योंकि बग्गी से दो ही आया था। इसलिए हम लोग चलते हैं आगे वाले घर में। शायद हम लोग को डाउट था, शायद इधर तो कोई ना कोई ज़रूर होगा। और जब इधर आके रुके, ये सेंटर ऑफ द जोन, लगभग सेंटर ऑफ द जोन था और हम लोग को ये पता था सेंटर ऑफ द जोन मतलब बहुत ख़राब होता है। जब मैं इधर उतरा स्कोप किया तो दिखा मुझे सामने कोई सांप जो लेटा हुआ है, तो टैप 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 दिया। वो अकेले बंदा बचा था शायद स्कॉट का, इसलिए वो बिना नॉक हुए किल हो गया। और आगे था सिर्फ 12 बंदा, शायद 4 स्कॉट और हम लोग था 3। इतने में एनिमी का पता चल गया दोस्त को और उसने मार किया। इधर से शायद शॉट लेने का ट्राई कर रहा था लेकिन कोई सब रिच के ऊपर था इसलिए हम लोग कुछ दिख नहीं रहा था। तो हम लोग बोले चलो क्लोज रेंज फाइट ले लेते हैं और गाड़ी पकड़ के हम लोग निकल गए इधर से क्योंकि इतना दूर से फाइट लेके यूज़ भी नहीं था क्योंकि स्नाइपर हम लोग कोई यूज़ नहीं कर रहे थे। अब आगे ही बंदा था तो डायरेक्ट आगे जाना तो बेकीफ होता, शायद कितना स्कॉट है पता नहीं, इसलिए हम लोग पूरा लेफ्ट लेके
गाड़ी को इधर ही रख देते हैं। और मेरे पास दो ग्रेनेड था, सबसे पहला और अच्छा उपाय आपका पास ग्रेनेड हाँ है, यूज़ करो। अगर आपको एनिमी का लोकेशन पता नहीं, शायद नज़दीक भी हो सकता है सांप, लास्ट जोन में आपको सांप बहुत ही मिल जाएगा। और नज़दीक के लिए स्नेक बहुत डेंजर रहता है, पता ही नहीं चलता। दूर से आपको उसको पता चल जाता, घास वगैरह एंटर नहीं होता, लेकिन नज़दीक बहुत डेंजर। मेरे पास दो ही ग्रेनेड था जो मैंने यूज़ किया, लेकिन रॉन्ग सामने कोई नहीं था। और कितना बंदा मैंने देखा जो ड्रिंक पूरा बैग में लिए भरा पीछे रहता है लेकिन यूज़ नहीं करता। देखे, मैंने रीच का एडवांटेज लेके अपना रिवाइल कर रहा था, तब तक मेरा एक टीममेट पूरा ख़त्म। एक बंदा मुझे रिच में देखा, टप टप दिया, लेकिन लक उसका अच्छा है, बच गया। और जोन भी आ रहा था, लास्ट जोन मतलब कितना काटता आप लोगों को तो पता ही होगा, इसलिए फाइट लेने अच्छा थोड़ा जोन में जाना सेफ लगा। और जोन के अंदर घुसा और मुझे पता था डायरेक्ट कि ये बंदा रिच के ऊपर है। एक है, दो है, पूरे स्क्वाड उतना नहीं पता था क्योंकि मुझे दिखा था एक। और खड़ा होने के से खड़ा होकर दौड़ने में बहुत डेंजर था क्योंकि उसका M24 था, और M24 का हेडशॉट मतलब ख़त्म। लेवल 2 का हेलमेट था मेरे पास, 3 का भी नहीं था। और देखिए, तब बोलते लगा मुझे एक हेडशॉट और मैंने अपने आप को पूरा हील किया। अब जो मुझे पता था कि वो रिच के ऊपर है, अब लगाना पड़ेगा 100 KD का दिमाग, क्योंकि आपको दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी होता है लास्ट जोन में। लक भी डिपेंड करता है, लेकिन ब्रेन तो यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने राइट साइड में स्मोक किया, वो भी लो टॉस में, क्योंकि दोनों पत्थर के बीच में कवर ले सकूं। और जब स्मोक पूरा हो गया, मैं लेफ्ट से उसे पिक किया, स्कोप खोला, उसका ध्यान पूरा राइट में था लेकिन मैं लेफ्ट में आ चुका था। और एक स्प्रे, उसको भागने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट में स्मोक करता और लेफ्ट में फायर करता, मुझे उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाता था। और मुझे और ये पता नहीं था कि और चार बंदा है तो कहाँ, ये लोग एक ही स्क्वाड का है या अलग अलग है, हम लोग को उतना कंफर्म नहीं था अभी तक। इतने फिर से मुझे लेफ्ट से फिर एक हेडशॉट लगा पट से। और जोन आने में भी सिर्फ 2 सेकेंड बाकी था। अपने आप को हिल करता हूँ, आगे मारता हूँ एक स्मोक, क्योंकि खुला में जाना खतरों से खाली नहीं है। और जोन भी सपोर्ट में नहीं था, इसलिए एक स्मोक करते ही जब शुरू हो जाता फिर करता हूँ सेकेंड स्मोक, क्योंकि और रुकने का टाइम भी बिल्कुल नहीं था क्योंकि रिच तक जाना बहुत ज़रूरी था। इतने में फायर आता है, लेकिन स्मोक की वजह से मैं निकल जाता हूँ। और आपको ये ख्याल करना पड़ेगा कि रिच एडवांटेज बहुत अच्छा होता है दुश्मन एनिमी से बचने के लिए। जब भी आप मुश्किल में हो, कभी भी रिच या अगर कोई छिपने का सपोर्ट नहीं है तो बिल्कुल ओपन और फाइट मत लेना। इतने ही मुझे लेफ्ट से बंदा आते हुए देखा स्मोक के पास, और मेरा जो दोस्त था वो भी, सॉरी, राइट से, और मेरे दोस्त वो भी राइट से। तो लेफ्ट में सही है, लेफ्ट और में राइट वाला को हम लोग फिनिश कर दो चुके थे। अब था, बचा था दो ही बंदा, गया और मैं पता चला कि ये दो बंदा दोनों रीच में। ज़्यादा, जब कोई नहीं तो है मैंने अपने दोस्त को बोला चलो इले के पेन किलर ला ऊपर, रहा हूँ जरा। रश करना तो बहुत मुश्किल है, आप थोड़ा राइट से जाओ, मैं थोड़ा लेफ्ट से देखता हूँ। इतने में मैंने मौली करके भी ट्राई किया, शायद कोई नॉक हो जाए, लेकिन वो लोग रिच के उस तरफ था और हम लोग इस तरफ। मैच 50-50 का था निकालना, क्योंकि वो लोग का एडवांटेज ये था कि वो लोग थोड़ा ऊपर थे और हम लोग नीचे। लेकिन लेफ्ट में मैं पूरा देखने का ट्राई कर रहा था, लेकिन कहीं बंदा दिख नहीं रहा था। और इतने में मेरा दोस्त बोलता चलो मैं राइट से निकलता हूँ, आप थोड़ा कवर देना।
और दोनों प्लान बनाते हैं और दोस्त निकलता है राइट से, और मुझे फुटस्टेप आता है, और पता ही लास्ट जोन में स्मोक तो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि मेरे पास एक ही लास्ट स्मोक था। स्मोक करता हूँ, वो थोड़ा कंफ्यूज रहता है स्मोक में, लेकिन दोस्त निकल जाता है, नॉक कर देता है, लेकिन मैं उसको बहुत नॉक तो कर बढ़िया देता हूँ, भाई, लेकिन एक बचा एक है। बंदा बताओ। अब बचा था एक ही दोस्त का, पूरा ध्यान बहुत दोस्त की बढ़िया, टीम अप कर गया था, और मैं फाइनली मार देता हूँ और मिल जाता है हम लोग को।